प्रदेश में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर। ये योजना मिलने वाले लाभ, योजना में क्या क्या लाभ है? विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु 1633 पैकेज शामिल किए गए हैं। योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार कैशलेस उपचार ले सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रत्येक लाभार्थी परिवार को दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपये तथा दुर्घटना बीमा की राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बजट घोषणा में आमजन के हित में किए गए नए प्रावधान, प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। योजना का दायरा व्यापक करते हुए मल्टी ऑर्गन्स वगैरह और घुटना का और कुलक प्रत्यारोपण को भी योजना में निःशुल्क किया गया है। योजना के लाभ से कोई भी एसआई अथवा निराश्रित परिवार वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है कि वे किसी भी परिवार का चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकते हैं। योजना से कैसे जुड़े? योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद। ऐसे परिवार जिनका जन आधार नामांकन नहीं हुआ है उन्हें पहले जन आधार नामांकन करवाना होगा, इसके बाद ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। योजना से जुड़ने के लिए अपने क्षेत्र की आशा सहयोगिनी, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत समिति कार्यकर्ता से भी संपर्क किया जा सकता है। अस्पताल में मरीजों को लाभ कैसे मिलेगा? मरीजों को सबसे पहले योजना से जुड़े निजी या सरकारी अस्पताल जहां वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं वहां भर्ती होने के समय इनमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर जाना होगा। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड कि जो कि जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, लिंक होना चाहिए आधार, जन आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आधार से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पॉलिसी दस्तावेज, अस्पताल में चिकित्सक के परामर्श एवं निर्देशानुसार भर्ती किए जाने के लिए हेल्प डेस्क पर चिरंजीवी मित्र उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मार्गदर्शन द्वारा मरीज का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।